सोनहत में पटवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय युवा मोर्चा ने अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। राजस्व हल्का क्रमांक 11 के पटवारियों पर आरोप है कि वे अर्जी लेकर पहुंचे लोगों से अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करते हैं, मनमाने तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, जिससे लोग और किसान परेशान है। SDM से उचित कार्रवाई की मांग की गयी है। अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनका काम नहीं करते हैं। जब जाते हैं पटवारी भवन में तो अच्छे से बात नहीं करते हैं, लोगों को भगा देते हैं कि तुम्हारा काम नहीं होगा ऐसा बोलकर। तो सोनहत की ये तस्वीर है जहां पटवारियों द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है। दरअसल रिश्वत मांगी जा रही है आम नागरिकों से। जब वो काम अपना लेकर के जाते हैं तो पटवारियों द्वारा रिश्वत मांग ली जाती है, जिससे परेशान होकर सभी ने मोर्चा खोल दिया है और रिश्वतखोर पटवारियों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए कि इस तरीके से जो पटवारी वसूली करते हैं वो ना करें, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है SDM को, लेकिन SDM साहब क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वाला समाचार शैलेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, पटवारी द्वारा जो रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा है इसके संज्ञान SDM साहब को दे दिया गया है, क्या कह रहे हैं SDM साहब? SDM साहब का कहना है कि बहुत जल्द इसमें जांच करके हम इनसे कार्रवाई करेंगे, ताकि जो किसान और आमजनों को जो परेशानी हो रही है उसका समाधान करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।